जीवन की ओर ले चल, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने अपने क्रूस के मृत्यु द्वारा शाप के चिन्हों को महिमा का चिन्ह बनाया, यह कृपा दे कि हम अपने शरीर की बुरी वासनाओं को क्रूस पर चढ़ाए और आत्मसमर्पण में अनंत जीवन पाए, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू भला गडेरिया है, ऐसी कृपा दे कि हमारे अधिकारी लोग अपने अधीन के लोगों को तेरे पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँचाए, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू गरीब और नम्र बना, हमारा नम्र निवेदन है कि गरीबी और बीमारी से पीड़ित लोगों को और सत्य के प्रति दुख भोगने वाले लोगों को तो अपने महत्वपूर्ण पुनरुत्थान का स्मरण दिलाकर उन्हें अपनी ज़िंदगी की दौड़ पूरी करने में और विश्वास को सुरक्षित रखने में मदद कर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तो परमेश्वर के सामने हमारे लिए सनातन समर्पण है, ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पवित्र बलिदान में भक्तिभाव से सहभागी होवे और पुनरुत्थित जीवन के दिव्य रहस्यों को हम योग्यता पूर्वक स्वीकार करें, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। अंग बंद करके हमारे सारे प्रार्थनाओं समर्पण करो। ईश्वर को सब कुछ संभव है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास से, जो लोग विश्वास से प्रार्थना करते हैं वो सब कुछ हो सकते हैं। यीशु के पास विश्वास से आए वाले सब लोगों को यीशु स्पर्श किया, चंगा किया, किसी को वापस नहीं भेजा। हमको भी वो वापस नहीं भेजेगा बिना आशीष करने के। हम सबको स्पर्श करेगा। विश्वास से समर्पण करो। ए प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रदास से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपनी चुनी हुई बेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। सबके ईश्वर, हमारे पापों और अपराधों को मेल अपनी कृपा सागर में दो डालने की दया करें। हे प्रभु, तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो। इस पवित्र वेदी पर इस मादा कुमारी मरियम का स्मरण हो। अनादि से अनंत काल तक आमीन। पुत्र के प्रेरित हो
इकलौते के बंधु प्रार्थना कीजिए कि सृष्टि में शांति विराजे। सब लोग कही आमीन आमीन। इस पवित्र वेदी पर संत थॉमस की स्मृति हो, साथ साथ उन विच्छी भक्तों का और शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजा अधिराज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। छोटे बड़े सभी मृतक इसी आशा से सो रहे हैं कि तो अपनी महिमा पुनरुत्थान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। अपने हृदय उसके सामने खोले, उपवास प्रार्थना तथा पश्चाताप से हम मसीह उसके पिता और पवित्र आत्मा को संतुष्ट करें। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और अदृश्य सृष्टि का कर्ता है, एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं, वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पुंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसूत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही सनातन संसार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्रादि श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों, ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता मुक्ति और स्वर्ग राज में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना सदी कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आप लोगों को और आपको भी। भाई और बहनों मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और प्रशांत अभिहृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो।
विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों पर लगाए मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिया साथ हमारे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को, ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरी महिमा मैत्री तुका आराधना सबकी स्तुति के योगी है, सभी जीवों की गृहता के योगी है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योगी है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। ये प्रभु सहस्रम स्वर्गवासी तुदा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र के रूपी तदा देवी सराफिन से मिलकर तेरे प्रभु की उपासना करते हैं। उनजे स्वर से करते स्तुति गान एक दूजे से पुकार करते हैं। प्रभु ईश्वर तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज पिता तेरी और आंखें मुड़ाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, ले लो और इसमें से
तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में ये क्या करो जो मैंने किया है। ए प्रभु तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे श्री जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपने प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरी सारे कृपादान दान ग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना सुधी कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाधीश रोम के संपूज फ्रांसिस के लिए हमारी कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्च बिशप राफेल तटिल के लिए हमारे पिता और धर्माध्यक्ष एफ्रेम के लिए अन्य सभी धर्माध्यक्षों के लिए याजकों समर्पितों और आम क्रिस्तीय पुरेषितों के लिए पवित्र और सर्वत्री कलीसिया के लिए शासक और अधिकारियों के लिए ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों संतों के आदर के लिए तेरी कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याग दरिद्र और दलित रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए तेरे नाम पर हम सभी विद्यालय के सिदारे सब मृतकों के लिए तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। ए प्रभु तेरे शिष्यानुसार हम इस युद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम एवं अवर्णनीय कृपा से इस मादा कुमारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर। सभी भूवासी यही चाहने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी समाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्यों धर्मदर्शियों याजकों उपयाजकों तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे निग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु उसके द्वारा हमें अपराधों की माफी पापों की क्षमा पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान रोतित मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के नमो रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत और पवित्र और जीवनदायी नाम को वंदना स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। तू दया सागर है मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरी आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें महिमामय पवित्र जीवन दया दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं
यद्यपि सचमुच हम अयोग्य है। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु तेरी सदा आराधना हो। हे जीवन तदा जीवन दायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई ही और समस्त जगत को जीवन प्रदान कर दी है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर हमें इस युग बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहे हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी ही और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको
को भी। ए प्रभु परम प्रसाद पवित्र लोगों के लिए। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो, आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। हे प्रभु, तूने अपने पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु पर विजय पाई, शैतान को पराजित किया और सारे सृष्टियों को नव जीवन दिया। तूने हमारे परिपोषण के लिए अपना शरीर रक्त भोजन के रूप में दिया। तेरी करुणा के योग्य कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारी जीव अशक्त है। हमारे जीवन दादा प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा, आमीन। समस्त लोगों आइए प्रभु के मरण और पुनरुत्थान के इन महान रहस्यों को प्रत्याशा पूर्वक ग्रहण करें। एक सूचना है, जो कोई भी कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा और परम प्रसाद स्वीकार किए हैं, फिर सिर्फ वे ही भाई बहन आगे आकर परम प्रसाद स्वीकार करेंगे। बाकी भाई बहन कृपया अपने जगह पर बैठकर प्रार्थना कीजिए। Yeah.
हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदाय और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के वर्णी देन की प्रतीक उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अभी अभी 5 मिनट बैठो, 5 मिनट। ए प्रभु, यह उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे। तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु, तूने अपने असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामय ईश्वरत का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दें। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारे मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तो अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर रक्त तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें ये वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। ये प्रभु, जो ब्रह्म प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। प्रभु मसीह ने अपने शरीर द्वारा हमें ऋणमोचन दिया है और अपने रक्त द्वारा हमारे पापों को धो डाला है। कलीसिया में उसका जयकार हो। ए भाइयों और बहनों, उसके चरागाह की भेड़ों, आप लोगों पर उसकी आशीष की वर्षा हो। उसकी दया और कृपा से आप लोग समृद्ध हो जाए। उसके दिव्य नियोजन का दाहिना हाथ आप लोगों पर बना रहे, अब सदा और सर्वदा। आमीन। क्षमा की वेदी प्रणाम, हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो पर प्रसाद ग्रहण किया है उसे मुझे अपराध और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिराकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, एक मिनट, सब लोग बैठिए। ये ब्रदर थॉमस